कलेजा मुंह को आया जा रहा है जो टैक्स इतना लगाया जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अब सितम कब से ये ढाया जा रहा है। महंगाई है तड़पा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ी वेस्टकोट निकाली है आपने। माशाल्लाह जनाब, अगर टेंडर ना होती तो पेंटर का फटा लगना सी। असल में ना आप नॉर्मल ले रहे हैं सर, इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है जी जी, वहाँ इन्हीं का पंगूड़ा लगा हुआ है। तो वेस्टकोट ले ही कितों हुआ, कहते मैं बरात चना सब तो बुधे पैसे लुटे उन्होंने गिफ्ट की थी। मैं धक्के नाल घरदियां कोलों इह वेस्टकोट पा के लिआंदी है कि भाई चलो गरीबां दा भला हो जाएगा। मैं गैटअप ना करा, अद्धी कॉमेडी इन्हां दी घर रहि जे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां इरफान अकील दौलताना। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लाम में तशरीफ लाई हुई है मॉडल मायजा अरशद। वेलकम टू द शो जी, आज माशाल्लाह इरफान भाई आए, बड़ी खुशी हो रही है। मियां इरफान दौलताना MPA हैं PMLN के। वाह वाह, आपको तो पता है। क्या बात, व्याड़ी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और इनके पहलू में है जलवा फरमा मायजा अशरफ, जो फैशन शोज के रैंप पर कुछ ऐसी चाल चलती हैं कि जिसकी चाल पर दिल वालों के दिल धड़कते हैं। अरे बहुत अच्छा, चार चफेरे सबर पे माने छलके ने, छलके ने, चार चफेरे सबर पे माने छलके ने, ताइयो उम्रों पहला चेहरे टलके ने, ते सड़कां उत्ते कुत्ते आखण कुत्तियां नू, सड़कां उत्ते कुत्ते आखण कुत्तियां नू, बच बचा के निकलो बंदे हलके ने। वो मिलेगा तो हम उसको समझा लेंगे। अच्छा, उसके दिल में हम अपने आप को बसा लेंगे। बिल्कुल, जितनी महंगाई कर दी है आपने इरफान भाई, लगता है 9 सीटों से खान साहब को हरा लेंगे। जी इरफान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, बड़ी आप पहली बार हमारे शो पे तशरीफ ला रहे हैं। मायजा, आई बिलीव आप भी पहली बार आ रही हैं, तो आज दोनों ही हमारे पास न्यू कमर्स हैं। इरफान भाई, आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। आपको आइडिया है? बिल्कुल। बस ठीक है इरफान भाई, थोड़ा सा उच्ची बोलना, सी दूर बैठे हैं। अच्छा भाई, वो मधम बोलते होंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े स्पॉन्टेनियस आदमी है। आपके पास पहली दफा आया है, आपको मजा आ जाएगा। बिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ठाकुर साहब, तुसी ना दसे, सानू तो नहीं सी पता लगना। अच्छा एक मिनट, बात तो करने दो ना। तो इरफान साहब, ये बताइए कि आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है जी, और आर्किटेक्चर और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? नहीं, बेसिकली तो मैंने आई डिड माय MBA फ्रॉम कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वहां से मास्टर्स किया, उसके बाद मैं फिर कैम्ब्रिज गया फॉर एंशियंट आर्किटेक्चर में डिप्लोमा कोर्सेज थे। उसके बाद फिर जारी बात है, क्योंकि माय नाना वाज द चीफ मिनिस्टर पंजाब 51 से 53। बिल्कुल। एंड देन माय मदर, आपकी वालदा तमीना दौलताना साहिबा भी हैं, उन्हें 40 साल हो गए माशाल्लाह। बिल्कुल। और 30 साल एज एन MNA रही हैं, उसके अनफॉर्चुनेटली इस्तीफा नहीं बन सकी। तो मुझे ये बताएं कि इरफान साहब, तो फिर तो कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले लेनी थी आपने, एमए ही पहले MBA, फिर उसके बाद एंशिएंट आर्किटेक्चर, और अगर आना ही पॉलिटिक्स में था? बस वो शौक था पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने का, और आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अगर मुल्क को भी लेके चलना होता तो या डिफरेंट एरियाज, जैसे 80 महकमे हैं पंजाब के। बिल्कुल। तो मैं पिछली दफ़ा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रहा, तो वहाँ तो पूरे पंजाब के खाते चेक होते थे, 5 साल वही करते रहे और जो प्रॉब्लम्स थी वो निकालते रहे। सो आई थिंक आपका सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं होना चाहिए, आपका वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑल द फील्ड्स, ताकि आपको कोई भी
डिपार्टमेंट दिया जाए और गवर्नमेंट में आपने किसी डिपार्टमेंट की भी सर्विस करनी हो सर्व करना हो तो इरफान भाई नु माशाल्लाह अमेरिका चो नाम भी होया जी $1,00,000 11 पिज़्ज़े एक साथ खादे हमारे जो हवेलियां गांव में बनी हुई थी वो भी 400-500 साल पुरानी थी और लंदन क्योंकि आना जाना होता था वहाँ सारा आर्किटेक्चर ही 1100-1200 साल पुराना होता है। So that was the inclination. And then one of our houses in Bari, वो अगर देखा जाए वो 200-250 साल पुराना है। ओए होए होए। वो चीज आजकल कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में वो चीज आई नहीं रही। जैसे सारा दुबई बना है तो वो दैट इज डिफरेंट और एंशियंट आर्किटेक्चर कम्प्लीटली यू आर राइट अप तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। एग्जैक्टली exactly. कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता। खैर ये तो एक अलग बात है कि नहीं मिलते कॉस्ट इफेक्टिव में अगर लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। आई मीन आई पर्सनली डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ये पढ़ना चाहते हो आर्किटेक्चर भी मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं लोग मगर उसमें बेसिकली वी वर इन हमारे होटल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान लाहौर मरी नरान में तो वो आई जस्ट वांटेड कि वहां पे जो वहां की सकाफत है उसके मुताबिक चीजें की जाए। व्हाट आई फील इज कि जो अपनी सकाफत हो जैसे आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब तो वो इमेज वही उस इलाके के अंदर वही चीज़ आर्किटेक्चर होना चाहिए वही चीज़ें पोर्ट्रे हों तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनिस्बत के बंदा किसी दुबई को फॉलो कर ले या किसी और को फॉलो करे तो वी शुड जो ट्रेडिशंस ऑफ आवर ओन कंट्री है वो ज़रूर हमें फॉलो करनी चाहिए। तुसी क्रिकेट च होंदे तुसी फास्ट बॉलर होना सी कि विकेट कीपर? नहीं विकेट कीपर बेहतर है जी। मायदा जी आप बताएं आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। तो बताया कि इनको शौक था आप अकाउंटिंग आई गेस जी जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़नी है क्या आपको बहुत नंबर्स का बहुत शौक है? आर यू गुड एट मैथ? हाँ मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा जी जी। तो ये आपने अपनी मर्जी से किया घर वालों ने कहा नहीं, नहीं, अपनी मर्जी से किया अपनी मर्जी से की है तो मेरे नंबर्स चेक करके देखे कितना बुखार है। नंबर्स नहीं नंबर्स। अच्छा नंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके 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 जी तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मॉडलिंग का क्या ताल्लुक निकला आपस में? मैंने स्टार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी और मॉडलिंग करनी नहीं थी मैंने अपना ब्रांड मतलब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था क्लोथ्स का तो उसके जो शूट्स थे वो मैं खुद करती थी और फिर मुझे और ऑफर्स आने लग गए तो फिर मॉडलिंग में आ गई वरना मेरा कोई शौक और अब आप अभी भी वो करती हैं खुद डिजाइनिंग या नहीं कर रही? वो छोड़ दिया। अच्छा ये अच्छा है यानी कि पहले आपने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की खुद ही कपड़े डिजाइन किए और आपने कहा कि और किसी को नहीं पहनने दूंगी मैं खुद ही पहनूंगी और फिर जब आप उसके जरिए मशहूर हुई तो आपने अपने ही कपड़ों को लात मारी और अब आप दूसरों से पैसे लेके उन्हें कपड़े पहन रही हैं। सारे इन्होंने जो पहली इंज डिजाइनिंग की थी इन्होंने इन्होंने फ्रिज नाम हुई भला की ये केड़ी चीज बनाई सी हैव इज गुड बनाई सी। यार एक सेकंड यहीं रुको मैं उनसे पूछूंगा आप बताइए आपका इस वेस्टकोट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी है ये फैब्रिक तो आजकल बहुत चल रहा है। फैब्रिक तो चल रहा है मगर फैब्रिक के साथ कोई मुंह और कोई जिस्म भी है जिस पे चल रहा है? लेकिन प्यारे अकरम भाई तो है ही माशाल्लाह प्यारे बिल्कुल सिर्फ कितने महीने के बाद मुंह धो लिया करना ना 15 दिन बाद धो लेना तो महीने की गल कर तो इस वजह से आपने यानी कि डिजाइनिंग छोड़ दी हुई है अब आप सिर्फ मॉडलिंग कर रही हैं और अकाउंटेंसी स्टिल देयर हां वो भी कर रहे हैं एंड व्हाट डू यू इवेंचुअली प्लान टू परसू इन द लॉन्ग रन? मॉडलिंग करेंगी तो उस अकाउंटेंसी तो बड़ा मुश्किल होता है उसका क्या करेंगे डिग्री का? वो अभी ब्रेक ले रही हूं उससे। अच्छा उससे ब्रेक ले ली है यानी कि मॉडलिंग का इतना कोई शौक है आपको? हो गया ये कैसे हुआ? हॉबी बन गई है। हॉबी ये बन गई है? हाँ मुझे अच्छा लगता है। मैं अच्छा बहुत खुश हो गया ब्रेकअप हो गया क्या करूँ कि ब्रेक ले ली मैंने क्या वो क्या चल रहा ब्रेक ली है। अच्छा वैसे वो ब्रेक काम से अच्छा मैं तो खुश हो गया मैं ब्रांड के लिए अभी तक मॉडलिंग की या फैशन शोज वगैरह भी किए उन्होंने शुरू में क्या बताया बेटे मैंने नहीं सुना क्यों नहीं सुना आफरीन आप मुझे बाद में मिलिएगा जरा जी तो अच्छा यानी कि अब इट्स गोइंग टू बी मॉडलिंग और ये क्या सिर्फ मॉडलिंग ही रहेगी या इसकी और कोई शाखें भी निकलेंगी? मैं वुमेन डिजाइनर हूँ। अच्छा खवातीन की तरफ है तो इनको बता दीजिए इनको क्या सूट करेगा? इनको ब्लैक कलर इन्होंने पहना है बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा बताया ना ये तो हमने भी कर दिया सॉफ्ट कलर्स। वो ये कहना चाह रही हैं कि मुझे सब कुछ सूट करता है। आप ये कहना चाह रही हैं? वाह 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 तारीफ कर रही हूं मैं उनकी यानी कि सच्चाई पे आप नहीं रिलाय करती ज्यादा। खामोशी में भी कोई आई बात है
हुकूमत जैसे घबराई बहुत है, मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है, डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान, महंगाई बहुत है, हाय हाय आ।